आज के एपिसोड में क्वीन शान को लूसुरु कन्वेंस करती है अपना ब्लड देने के लिए ताकि वो अपने पति को बचा सके। बट क्वीन शान को उस पर शक होता है, तो वो उससे कहती है कि आपको मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, ये सब मैं अपने राज्य के लिए कर रही हूँ ताकि हम टेमोन गेंज से बच सकें। दूसरी तरफ जियान और जोयो और क्वीन शान को बचाने के लिए ऑर्थोडॉक्स पहुँच जाती हैं और लूसुरु कन्वेंस करने में लगी होती है। फिर जियान और लो जोयो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर जियान को देखकर उसके अंकल जो होते हैं वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ इस लेडी को एक्सपोज करने के लिए, ये कैसी है, ये बहुत ज़्यादा बुरी है। तो सब लोग वहाँ पर खड़े उसकी बात सुन रहे होते हैं, तो लूसुरु से कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है इन सब बातों का, क्या किसी को इसकी बातों पर बिलीव है। तो जियान थोड़ा सा घबरा जाती है बट उसका अंकल उसका साथ देते हैं और कहते हैं कि मुझे बिलीव है। पर एक लड़की आ जाती है क्वीन शान को बचाने के लिए जिसका नाम 17 होता है। 17 जो होती है वो जोयो की चेली होती है। उसे देखकर जियान कहती है कि ये कौन है, तो जोयो से बताती है कि ये मेरी सबसे फेवरेट चेली है और मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो ये वहीं पर जो लूसुरु होती है वो अपने मंत्री को इशारा करती है उसे मारने के लिए, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका मंत्री ये देखकर घबरा जाता है। फिर लूसुरु सालिंगागा पर जादू करती है। सालिंगागा का सामना वहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है वो करती है और वहीं पर जो 17 होती है क्वीन शान को बचाती है। तो जो सालिंगागा होता है उसके अंदर तलवार चली जाती है और तलवार के कारण थोड़ा सा धार क्वीन शान पर लग जाता है, बट जो 17 होती है वो उसके गले से उसका ब्लड जो होता है वो चाट लेती है। ये सब देखकर जियान कहती है कि इसने तो मेरे अंकल को हैरेस्ट कर दिया। तो वहीं पर लूसुरु जो होती है वो ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लेडी जो जियान को बचाती है वो खुद घायल हो जाती है। जियान उसे वानलू लेकर आती है। दूसरे सीन में जिंगवू यानी कि जो कि फैनगो होता है वो क्वीन शान को मारने के लिए पहुंच जाता है। वहीं 17 को देखकर वो कहता है तुम कौन हो, तो 17 कहते हैं मैं वानलू जोयो की सेवक हूँ, तो वो कहता है वानलू का होने वाला राजा हूँ। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म।